Assalamu alaikum, dear students. This is me, Sir Babul Mar, from the Spark School and College, Sachal Kimbal. Hope you all are fine and well. Dear students, today we are going to learn about making merge drawing. So, dear students, this is your last topic from unit number 8, Chains in Matter, first semester, second semester, first monthly assessment. Dear students, what is a merge drawing? How can we make the merge drawing? When fats and plants can turn into a valuable food such as margarine. जब फेट्स एंड प्लांट्स वैल्यूबल फूड में कन्वर्ट हो जाएं, जिसे हम यूज़ कर सकें, तो उसे हम बोलते हैं मार्जरीन। सो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी प्लांट हो या कोई भी फेट हो, जब कन्वर्ट हो जाए किसी वैल्यूबल प्रोडक्ट में, यूजफुल प्रोडक्ट में, तो उसे हम बोलते हैं मार्जरीन। डियर स्टूडेंट्स, ऑयल गेट्स फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज सनफ्लावर। तो ये बनता है जिस वजह से, जिस हम क्या लेते हैं, ऑयल लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? वी कैन गेट ऑयल फ्राम द सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज सनफ्लावर, यानी सूरजमुखी का जो गुल है, वहाँ से हम क्या चीज़ हासिल करते हैं? वहाँ से हम ऑयल हासिल करते हैं जो मार्जरीन बनाने में हेल्प देता है। द ऑयल, व्हेन वी गेट द ऑयल फ्रॉम द फेट्स एंड प्लांट्स, दैट्स टाइम वी हैव नीड टू रिफाइंड द ऑयल। ऑयल इज रिफाइंड बाय हीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोऑक्साइड। वो जो ऑयल होता है उसे हम क्या करते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, साफ करते हैं। जो रिफाइनिंग का प्रोसेस हम पढ़ गया है, जिस चीज़ से हम रिफाइन करें, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, एन ए मीन्स सोडियम, ओ एच सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, दिस इज एन बेस। उससे क्या करते हैं, हम उसको रिफाइन करते हैं, फिर वो जो ऑयल होता है वो यूज़फुल बन जाता है, जिसे हम ईजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक और प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजनेशन एज एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड एसिड्स इन द ऑयल, ऑयल इज हीटेड विथ हाइड्रोजन अंडर प्रेशर निकल कैटलिस्ट। बड़ा जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है वो एक अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसके अंदर एक एलिमेंट होता है जिससे हम क्या निकल बोलते हैं, निकल के अंदर कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट वो एलिमेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड बढ़ाने में हेल्प देता है। तो इस प्रोसेस के जरिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक था मेकिंग मार्जरीन। अगर आप बुक के अंदर देखेंगे, इसकी पिक्चर भी आई है कि मार्जरीन कैसे बनता है, एक प्रोसेस होता है, डायग्राम आपके बुक के अंदर दिया गया है, आप बुक के अंदर वो डायग्राम देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है डिटर्जेंट एंड सोप। हाउ कैन वी गेट द डिटर्जेंट एंड सोप? बेटा, डिटर्जेंट्स आर केमिकल्स, डिटर्जेंट्स आर केमिकल्स विच हेल्प्स टू रिमूव द ग्रीस एंड डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स, मेटल एंड अदर मटीरियल्स। बड़ा डिटर्जेंट वो होता है जो मेटल यानी क्लॉथ्स हो, कोई अदर मटेरियल हो, उससे हम क्या करते हैं, ग्रीस और डस्ट को रिमूव कर सकते हैं, वो होता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर केमिकल्स। और नेक्स्ट जो है सोप, सोप क्या, इट इज़ अ डिटर्जेंट। सोप जो है डिटर्जेंट है, बट इट इज़ मेड फ्रॉम एनिमल्स फेट्स और प्लांट्स ऑयल। जो सोप है एनिमल फेट से या प्लांट्स ऑयल से हम लेते हैं, उसके जरिए हम क्या करते हैं, सोप बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, This is your last topic from unit number 8. Inshallah, in the next lecture we will start the next chapter. Hope you will understand. If you have any question about this topic, you can ask from me. Goodbye. God bless you.